स्टोरी बताता हुआ चलूं, आपकी अगर प्रेग्नेंट बकरी है तो आपको ये बात ख्याल रखना होगा, पूरी वीडियो देखनी पड़ेगी। अगर बकरी प्रेग्नेंट है और प्रेग्नेंट नहीं है, हटा दो, वीडियो मत देखो। और अगर आपकी बकरी प्रेग्नेंट चाह, वेलकम बैक टू साबरी गॉड फॉर्म। टॉपिक आप आज का अपना ये है कि बकरी के अंडर रेडी में हो गया है। अब आप कहेंगे यार हर बार आप यही बताते हैं कि आपके बकरी के अंडर रेडी में हो गया है, आप बताते हैं इतनी सावधानियां, ये सारी दिक्कतें आप ही के फार्म में क्यों देखने को मिलती है। हमारे फार्म के अंदर मॉर्निंग के अंदर बकरी को फ्रूट एंड गूदे के छिलके दिया जाता है, गूदा मौसमी का गूदा दिया जाता है, फ्रूट्स के छिलके दिए जाते हैं जो कि यहाँ इजीली अवेलेबल हो जाते हैं। नियर बाय मार्केट है, गली के बाहर ही, तो वहाँ से अवेलेबल हो जाता है। हालांकि मॉर्निंग में अगर आप सूखा चारा खिलाते हैं वो सबसे बेस्ट होता है, सबसे बेहतर। उसको मॉर्निंग में पानी पिलाएं, पीता है, पिलाने के बाद में उसे सूखा चारा दें। तो मैं सूखा चारा तो वैसे भी देता हूँ, लेकिन पहले उसे सूखा चारा देने के बाद, थोड़ा बहुत भूसा देने के बाद, फिर उसे फ्रूट्स के छिलके दे दिए जाते हैं, जो भी कुछ होता है। तो ऐसे में मैं एक स्टोरी बताता हुआ चलूँ, आपकी अगर प्रेग्नेंट बकरी है तो आपको ये बात ख्याल रखना होगा, पूरी वीडियो देखनी पड़ेगी। अगर बकरी प्रेग्नेंट है और प्रेग्नेंट नहीं है, हटा दो, वीडियो मत देखो। और अगर आपकी बकरी प्रेग्नेंट चाहते हैं कि होने वाली है कुछ टाइम के बाद, या बच्चा दे दिया लेकिन आगे तो हो, तो आपके काम की है वीडियो। तो वीडियो अगर पूरी देखेंगे तो आपको नॉलेज मिलेगी। तो मैं सिर्फ इतना बताऊंगा कि बकरी अगर आपकी ग्याबन है तो उसको 10 से 15 दिन पहले ठंडी चीज़ें अवॉइड, जो कि हर वीडियो में मैं बताता हूँ, ठंडी चीज़ नहीं देनी है। क्योंकि ठंडी चीज़ क्या होती है, ठंडा पानी नहीं देना क्या? नहीं, ठंडी चीज़ से रिलेटेड होती है उसकी मात्रा, उसकी तासीर, ठीक है। जैसे कि मौसमी का गूदा ठंडा माना जाता है, ठीक है, और जैसे कि जौ, ये ठंडी मानी जाती है, ठीक है, और इसी तरह से बाजरा हो जाता है वो गर्म माना जाता है। समझ गए आप डिफरेंस क्या है? तो इसी तरह से ठंडी चीज़ आपको कुछ भी नहीं देनी है, ये चीज़ नहीं देनी। तो केस ये हुआ था, अब मैं आपको अपनी बकरी के पास लेता हुआ चलूँ, तो बकरी का अंडर एडिमा का केस ऐसा हुआ कि इसके थन में पानी भर गया। मैंने बताया कि आप कहेंगे फिर आपकी बकरी में क्यों भर गया पानी, आपने इतनी नॉलेज देने के बाद भी। तो मैं बताऊंगा कि बकरी के थन में ऐसा पानी भर गया, बकरी को ब्याए हुए 24 घंटे नहीं हुए थे, मॉर्निंग में हमारे यहाँ वही फ्रूट्स के छिलके और मौसम का गूदा आता है वैसे, तो उसका हमने साइड में रखा था, इसने अपनी तरफ टप खींच लिया, और ये सारा उसका गूदा, इसकी पटिया जो हैदराबादी बराबर में बनती है, उसका एक सारा गूदा खा गई। तो उसके बाद में इसके अडर में तुरंत तो नहीं, लेकिन इसको सुस्ती चढ़ गई, और उसके बाद में इसको अडर एडिमा हो गया। अडर एडिमा, तो अडर एडिमा होने के बाद में इसको इनने सारा गूदा खा लिया अपनी बेटी का छीन करके। बेटी का गूदा छीन के खाने से सुस्त सी पड़ सी गई है। उसके बाद में हुआ ये कि बकरी साइड में खड़ी रही, दूध भी कम नहीं हुआ, दूध भी सही देने लगी, लेकिन जो जड़ इसकी फूली पड़ी थी जो आपने देखा था, अचानक से उसमें पानी भर आया, नहीं पता चला। जब इसका दूध काढ़ने के लिए बैठे, क्योंकि भाई इतना सारा दूध बच्चे नहीं पी सकते और हमें पिलाना भी नहीं है, और वो पी जाएंगे, वो बच्चे हैं, वो पेट भर के पी जाएंगे, तो हमें पेट ही तो नहीं भराना है। एक दिन के बच्चे अगर आप पेट भरा देंगे, 5 दिन के पेट बच्चा भरा देंगे, गर्मी चल रही है, दूध जो है, अगर बच्चा फर्श गर्म जमीन पे बैठेगा तो पेट खोलेगा, और जब पेट खोलेगा, इंसान हो या जानवर, उसे लूज मोशन लगेंगे, बड़े खतरनाक लगेंगे। तो हमारी बकरी के हो गया था अंडर एडिमा, जो अभी मेरी वीडियो थी वो थोड़ी माइक बैठे खत्म हो गई, तो मैं बाद में शूट कर रहा हूँ। तो मैं अब आपको इतना बताना चाहता हूँ, इस बकरी के आपको बाद में ट्यूब लगानी है, सुबह में पानी से मसाज कर, पानी से धोने के बाद में आपको ट्यूब से इसकी मसाज करनी है, दूध निकाल लेना, जिस थन में जख्म हो या प्रॉब्लम हो नहीं छूने देगी, उसमें आपको बच्चे से दूध पिलवाना है, दूध उसे आराम से पिलवा देगी, फिर उसको ट्यूब लगाइए और छोड़ दिए, गांठ नहीं रहना चाहिए थन में, जब तक गांठ है ट्यूब लगाइए, खुरंट जख्म आ जाए तो बीटाडीन लोशन का इस्तेमाल कीजिए या बाम का इस्तेमाल कीजिए, ठीक है, तो ये बेस्ट रहेगा। तो हमने इसमें जो इंजेक्शन लिया वो मैं आपकी स्क्रीन पे सारे इंजेक्शन लगा देता हूँ, कुछ मैं आपको इंजेक्शन बता देता हूँ। जैसे कि पहला इंजेक्शन अगर आप BCR का लगाएंगे, सबसे बेहतर सुखाने में काम करता है, एंटीबायोटिक का है, आपको 2.5 ग्राम का ले लेना है, 8 ml इसको लगा देना डिजोल्व करने के बाद में। दूसरा फ्लूसीमाइड का इंजेक्शन होता है, या रिमोट पेट भी लगा सकते हैं आप, 3 ml इसके लगाना है, इंटरमस्कुलर लगाने हैं, दोनों इंजेक्शन हो गई है। तीसरा आपको CPM-B कॉम्प्लेक्स लगाना है, मिक्स करके लगाना है, 2 ml CPM, 3 ml CPM, 2 ml आपको ले लेना है बी कॉम्प्लेक्स। इसको क्यों लगाना है? इससे एंटीबायोटिक का कोई रिएक्शन ना हो, ये लगाना है। एंटीबायोटिक बहुत सोच समझ के लगाना है, ताकि ऐसा ना हो कि आप इंजेक्शन एंटीबायोटिक के चक्कर में गलत एंटीबायोटिक लगाएं और बकरी का दूध, ब्याई हुई बकरी का सारा दूध जल जाए, खत्म हो जाए, सूख जाए, ऐसा नहीं करना है। तीसरा इंजेक्शन आपको ले लगाएं, दूध जरूर चेक करते रहें, उसका दूध काढ़ के देखते रहें, कहीं इसके दूध में ब्लड तो नहीं आ रहा, कॉफी कलर तो नहीं आ रहा, लाल किसी भी मतलब दूध का कलर चेंज तो नहीं हुआ। आप ये कर सकते हैं, आप इस तरह से करेंगे तो बकरी का दूध आसानी से रहेगा। बकरी का अगर आपके दूध काढ़ते भी हैं या बच्चे पीते हैं, आप काढ़ते नहीं, 5 से 7 दिन रोज आप थोड़ा सा दूध काढ़ के देखिए कि बकरी का दूध कहीं कलर चेंज तो नहीं हुआ। ऐसी प्रॉब्लम होगी तो फिर बड़ी प्रॉब्लम होगी। शुरुआत में जो इलाज कोई सा भी हो कर लोगे, फायदा मिलेगा, नहीं करोगे तो फिर बहुत मुश्किल होता है इलाज करना। तो
ऐसा ना करें, लापरवाही ना बरतें। तो हमारी वीडियो आज की यहीं थी खत्म। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब, क्लिक करें बेल आइकन। थैंक यू।